मुझे तो यार दिखी नहीं, पता नहीं क्यों नहीं दिखी, शायद मैं पापी हूँ इसलिए। इन अंकल को जानते ही होंगे, सब जानते होंगे इन अंकल को, बकचोद अंकल है बड़े। राधे 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 राधे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हमने ट्रिप बनाया है, वीकेंड ट्रिप। फ्राइडे सैटरडे संडे हम जाएंगे मथुरा वृंदावन जन्मभूमि एटसेट्रा एटसेट्रा, और हम अभी जाने वाले हैं गोवर्धन पे परिक्रमा लगाने। तो हम बहुत सारी चीज़ें इस वीकेंड करने वाले हैं फैमिली के साथ। और अभी मैं 5:30 बजे उठ गया था, और 5:30 बजे मैं मेट्रो स्टेशन पर छोड़ के आया साहिल को, बड़ी मम्मी को, हीना को, जतिन को, आशु को, क्योंकि वो लोग जा रहे हैं ट्रेन से, क्योंकि उनका ही प्लान था पहले, और अब हमारा भी प्लान बन चुका है। तो हम जा रहे हैं गाड़ी से, मैं, मम्मी, शुभम, मामा, मामी और निशु। तो आपको आगे का अपडेट मिलता रहेगा, वीडियो में बने रहना। चलो चलते आगे, और मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ जब मैं इनको साहिल को छोड़ने गया था। तो देखो, तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कहां पर, कृष्ण जन्मभूमि पे, और ये ट्रेन से आए थे और हम गाड़ी से आए थे। तो अभी हम सारे मिल चुके हैं, अभी हम गाड़ी पार्क करने आए थे और पार्क अभी कर दिया। तो अभी जन्म स्थल पे जा रहे हैं, दिखाता हूँ सबके सामने, मिलवा दो सबसे। और यहाँ पर कुछ बंदर शंदर के नज़ारे, बंदर फोन उठा लेगा, बंदर फोन उठा लेगा, इसलिए फोन रख रहा हूँ वापस। गाइस अब बाहर पहुँच चुके हैं, मम्मी को देखो, मम्मी मामी चल रहे हैं। और मोबाइल कैमरा लीड चार्जर पेन ड्राइव डिजिटल वॉच रिमोट का गाड़ी का चार्ज ऐसी कोई नहीं जाना था, नहीं जाती है साहब। अच्छा। ये नियम पढ़ लो बड़े भैया, यार वो भी करवाना है। तो जो माता जी चला दो, बोले बाबा हेलो, राधे राधे दिखा रही है, थोड़ा 5-10 रुपये महाराज जी को भला करेंगे। सेल कितने का? बागेश्वर धाम लगवा रहे हैं पैसे, बस हो गया। राधे राधे लिखवाना पड़ेगा आपको, निशु इतना टाइम लगवा रहा है तू यहाँ पर, अब निशु बाबू राधे राधे। तो गाइस यार अभी फोन ले जाना अंदर मना पर है, इसलिए फिर अभी फोन जमा कराना पड़ेगा। तो गाइस अभी मंदिर से हम होके आ गए, और भाई काफी अच्छा मंदिर था और काफी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आई वहाँ पर। और वहाँ पर एक मार्बल का बिल्कुल वॉल भी थी जहाँ पर अलग अलग प्रतिमाएं दिख रही थी श्री कृष्ण की। तो मुझे तो यार दिखी नहीं, पता नहीं क्यों नहीं दिखी, शायद मैं पापी हूँ इसलिए, मगर सब मामी मम्मी को, बड़ी मम्मी को, सबको दिखी। तो मैं चाहता था मुझे भी दिख जाए, मगर नहीं दिखी, क्या कर सकते हैं। बाकी गर्भ वो जो होता है गर्भगृह वो देखा, वो काफ़ी अच्छा था। और बाकी मतलब रियल कुछ नहीं है ऐसा, मतलब रियल रियल दिखा नहीं हमें, पहले जैसा दिखता था अब वो वैसा नहीं है, अब तो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है सब कुछ के अंदर। और बाकी अभी देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, अभी यमुना घाट पे जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पर जाके नहाएंगे वहाएंगे। अंदर जाके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, ढंग से बताओ कि कैसा कैसा लगा अंदर, क्या क्या देखा आपने, क्या क्या बताओ ना। गर्भ गया देखा था, वो जेल जा रहे थे, जेल में जिस समय रहती थी वो कृष्ण जी की माँ, वो देखा था हमने। मगर रियल रही नहीं रह गया ना कुछ, है ना, रियल जैसा पहले था, जैसे पहला था वैसे नहीं। अब थोड़ा सा वो बिल्कुल मॉडिफाई हो गया, चेंज हो गया है। और रबड़ी खाई हमने अंदर, कितनी अच्छी थी रबड़ी, 40 रुपए की थी मगर बहुत अच्छी थी। मम्मी कह रही थी कि मैं भी खुद बना सकती हूँ, मगर कभी जिंदगी में नहीं बनाएंगी। अच्छा मामी कह रही थी क्या? एक देना खाना खा के देख ले, बताइए खा के कैसा। कैसा सही है? सही है। मैं खाऊंगा मिर्ची के साथ, स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद है मुझे। अच्छा 10 रुपये का बहुत है ना गाइस, अच्छा था इसलिए एक और ले लिया मैंने, खाता हूँ इसको भी। एक मिर्ची देना अंकल जी, मिर्ची चाहिए। गाइस जब मैं अंदर जा रहा था मंदिर की गेट एंट्री पे, तो पुलिस वाला दूर से देख के ही मेरे को बोल रहा कि आ गया जिम बॉय बॉडी बिल्डर। मैंने कहा सच में? कहता हाँ। तो ऐसा सीन था, बढ़िया मज़ा आया भाई। सीन ऐसा है कि गाड़ी अभी खड़ी कर दी है पार्किंग में,
और जहाँ पर हम जा रहे हैं ना, ज्वार का दीज जा रहे हैं ना भैया, वहाँ पर गाड़ी अंदर जाती नहीं है, तो इसलिए भी रिक्शा करा है। भैया हंसने को पड़ रहे हैं, भैया हंस के दिखाओ जरा इनको, मान नहीं रहा हंसमुख को, आप हंस के दिखाओ इनको, ये मान नहीं रहा हंसमुख को, देखा। तो अभी जा रहे हैं भैया, लेके जा रहे हैं हमें, और वहाँ पर जाके मिलते हैं आपसे, ठीक है। और अभी मैं थोड़ा ई रिक्शा चलाऊँगा, मुझे बहुत शौक है, दिल्ली में चलाता हूँ खूब, तो यहाँ भी चलाता हूँ, क्या चलाऊँगा भैया, रिक्शा दोगे मेरे को चला लेंगे, हैं लो मेरी वीडियो बनाओ चलाते हुए, लाओ ब्रेक मार लेना, बस ब्रेक नहीं मार पाऊँगा, हाँ मेरे हाथ दिखाओ, मैं चला रहा हूँ ना, ये विश्वास नहीं करते लोग, बात करो थोड़ी सी बंदे से, रिक्शा चला रहे हैं देख मजा आ रहा है, ऐसे चलाता हूँ मैं अपने दिल्ली में ना, काम है अपना ये रिक्शा चलाने का, आराम से आराम से आराम से फुल आराम से भाई, चलाना आता मेरे को, ये देखो ₹10। तो गाइस अभी साहिल बताएगा, मैंने तो आपको बता दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं, अभी साहिल बताएगा कहाँ जा रहे हैं हम, अभी यमुना नदी पे जाएंगे, पहले हम द्वारका वाले मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर जाएंगे, वहाँ के दर्शन करेंगे, फिर यार गर्मी बहुत लग रही है, सुबह सुबह ठंड लग रही है खूब, आएंगे तीन चार घंटे दो घंटे तो नहाएंगे कम से कम, मजा आ जाएगा यार, मगर वो क्लिप नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम मोटे मोटे हैं सारे, नहीं कोई नहीं, फिर तो दिखा मतलब दिखा सकता है अपने आपको नहाते हुए नंगा, पहली बात तो कोई नंगे नहीं नहाता, तो नंगा नहाना भी नहीं चाहिए नंगा क्या होता है, नंगे क्या है? मतलब कपड़े बिना, ये देखो लगे भारी तेरा क्या नंगे मतलब सारे कपड़े उतारे नहाने चाहिए, विदाउट अंडरवियर और अंडरगारमेंट पहन के नहाना चाहिए, अच्छा हाँ कच्चा बनियान पहन के नहाने चाहिए, अच्छा मैं तो जब लेके भी आया हूँ, ओके इसलिए मेरे को तो दिखा सकते हो, ठीक है ये जब बैठेंगी ना लेडीज बैठेंगी, लेडीज बाहर बैठेंगी, लेडीज है ना वो, क्योंकि ढंग से ना ना एक दूसरे को पानी में मत लगाना, अभी तो देखो ऐसे 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 पट्टी मारेंगे, ऐसे ऐसे मारेंगे पट्टी, गाइस बुरी किस्मत देख रहे हो, 11:35 हो रहे हैं और मंदिर बंद हमें मिला है, तो साहिल निराश होते हुए लौट रहा है, यार अच्छा भला हम नहाने गए थे, इतना अच्छा मूड भी हो गया था, मैंने तुम्हें नजारा दिखाया, लोगों से भूख बरसात नहीं होती, मगर इनको ना खाना खा लेंगे, खाना खा लेंगे, खाना खा लेंगे, इन्होंने दिमाग खराब कर दिया हमारा, साहब कितना बुरा लग रहा है, लग रहा है बहुत बुरा, नहाने का मन था ना, इतना खाने की खुशी भी है, ज्यादा ऊपर दौड़ना है, भाई साहब इतनी सी ऊपर जाने में भी इनको कंटाला आ रहा है, कंटाला क्या होता है, थकावट आलस, गाइस इन अंकल को जानते ही होंगे, सब जानते होंगे इन अंकल को, बकचोद अंकल है बड़े तोड़ते हैं गाइस, ये ना कचौड़ी भी वहां से लाया है, जो ये फेमस अंकल है, मैंने यूट्यूब पे देखा है, सर तू बताइए कैसी है इनकी कचौड़ी, सही अच्छा वाला बताइए रिव्यू कैसी है, देख लो पता चल जाएगा, तू बता ना, देखो मैं नहा के आ रखा हूँ, जब मेरे को अच्छी लग रही है उनसे पूछो बिना नहाए को, मतलब ये क्या मतलब हुआ बिना नहाए को, नहा के नहीं आया, गंदी जा रही होगी मुंह में, तो बेवकूफ है क्या यार, बढ़िया है भैया, आ जाओ तुम भी सब्जी हो गई, ये खाते नहीं पेट भरने के लिए, ये तो मैंने बोला तेल चढ़ा दियो, खा गई फिर भी क्या है कैसा भाई साहब, मीठा भी आ रहा है, वो पानी मिर्च का वो भी आ रहा है, बढ़िया।
एंजॉय द लाइफ नहीं भेजूंगा बनाओ भाई। ये औरतें ऐसी होती इनको वीडियो बनानी होती शॉर्ट क्योंकि इनको वीडियो बना ले वो एक मंदिर के बाहर पहुंचे नहीं है ए, फोटो तो ले लो पहले अच्छे बच जाओ। बोला क्यों आपने ये उतार दिल्ली साहिल पूजा अभी कैसे पूजा उठा रही है गाड़ी अच्छा आप क्यों चला रही हो जा साहिल जा जा ये उतार रहा पागल वागल लगे उतार से ए क्या हो ये देखना टी शर्ट पहन के जा रहा है अंदर बनी जा घड़ी तो आ घड़ी तो आ रहा है घड़ी बोले वाटर प्रूफ का घड़ी रख दे यार इसको भी उतार ओहो साइलेंस। तो गाइस यमुना नदी में आ गए नहाने पहले हम वहाँ पर थे अब हम यहाँ पर आ गए हैं इस तट पे इस साइड और नहाने के लिए तो अभी नहाना कंटिन्यू कर रहा हूँ। वैसे सुबह काफ़ी ठंड थी मगर अभी मज़ा आ रहा है नहाना कंटिन्यू करता हूँ वीडियो बंद कर रहा हूँ और मिलते हैं इस बाद में। चल पानी सब आ रहा है तो गाइस मैंने अभी नहा लिया है यहाँ पर और अभी इसके बाद हम जाएंगे गोकुल में और वहाँ जाके देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो मुझे फ़िलहाल कुछ आइडिया नहीं है तो चलते हैं। तो नंगा क्यों डोल रहा है कपड़े वपड़े पहन ले भाई कपड़े पहने जा रहा हूँ। साहिल भाई आज तो तू भी यार बैग लेकर आओ किस लिए आया था हमें क्या पता पानी में भिगोने के लिए आपको लगता है मैं आ सकता हूँ कौन लाए लड़कियाँ अब कोई है हुस्न की परी जाने जवाब मामा अबे मैं जाओ गाइस पता नहीं अभी क्या लिया है स्ट्रीट वेंडर से ये वो ऐसी चीज़ें बेच रहे थे तो एक वाइट वाला था एक वाला था और इसमें ना कुछ काली काली मिर्च ली है पहलवानी स्ट्रीट वेंडर वो आपको पहला बोल रहे इसमें काली मिर्ची का टेस्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रांग है तो दिखने में यूनिक था मगर तो अच्छा लग नहीं रहा वाइट वाला खाओ ना अच्छा नहीं तो गाइस अभी सीधा द्वारकाधीश से आ गए हैं हम गोकुल में तो अब गोकुल के थोड़े नज़ारे दिखाता हूँ आपको और चलते हैं मंदिर के अंदर। तो भाई लोग तुमने कभी देखा ट्यूबलेस टायर में पंचर भाई ऐसा था कि ये मेरे को बार बार कॉल करी जा रहा था क्योंकि ये लगा गए हम कार में आ रहे थे तो एक बार मुझे कॉल करी जा रहा कहाँ कहाँ रह गए तो इसलिए फिर हमने थोड़ा सा झूठ बोला तो ये क्लब गया बाहर ली रिकॉर्ड भी कर ली इधर आ जा रे अभी हम अंदर होके आए
हर टाइल पे हर किसी का नाम लिखा था, उसका क्या वहाँ पर मंदिर में हो गया है, उसका क्या वो है लॉजिक पीछे से? उसका लॉजिक ये है कि अगर आप चाहते हो तो अपनी एक नेम प्लेट यहाँ पर देखे जाओ वो मंदिर में, फिर आपका लग जाएगी, स्थापना की जाएगी हर एक, फिर मंदिर आपका, फिर मंदिर हमारा थोड़ा सा और क्या, नेम प्लेट लग गई तो गोकुल का मंदिर हमारा। देखो 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 हमारे घर की सबसे छोटी बच्चियाँ छोटी बच्चियाँ क्या किसका रहा है वो क्या होती है कहते हैं ना कि आई है तजरीफ रखिए ये पे तो हमारी यार पागल वागल हो गई हो क्या? आप ऐसे करती थी हरकतें बचपन से? तो गाइस हमने गोकुल का मंदिर घूम लिया, यहाँ पर झूला झूल लिया, काफ़ी मज़ा आया, एक दो घंटा हमने टाइम पास कर लिया। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होने वाली है मुझे भी नहीं पता, तो अभी चलते हैं जहाँ पर मम्मी बोलेगी वहाँ पर ले चलेंगे और तुम्हें दिखा देंगे, ठीक है? यार अपनी CNG ओवर हो गई थी मथुरा में, कौन सा है गोकुल के पास, तो अभी CNG भरवाने रुके हुए हैं, तो यहाँ पर भाई CNG है 95 रुपीस, हमारे दिल्ली में है भाई 73-74 और यहाँ पर 95 रुपीस CNG है, तो भाई इन शॉर्ट फट चुकी है, बहुत महंगा हिसाब है यहाँ का। तो गाइस हम गोकुल से निकल के सीधा आ गए रमन रेती मंदिर में, और अभी मैंने पार्किंग में लगा दी अपनी गाड़ी और अभी मंदिर की तरफ जा रहा हूँ। तो अगर फ़ोन अलाउड है, वीडियोग्राफी अलाउड है, तो मैं भी दिखाता हूँ मंदिर कैसा है, दिखता कैसा है, और चलो चलते हैं। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर प्लेग्राउंड में हूँ शायद, तो यहाँ पर हर कोई बंदा रेती से खेल रहा है और मुझे इसका रीज़न नहीं पता, तो ये बाद में साहिल से पूछूंगा, साहिल बता पाएगा कि क्या रीज़न है इसके पीछे। बाकी अच्छा लग रहा है मुझे देखने में यार काफ़ी। लेट जाओ, मिट्टी नहीं लग रही, लेट कर दिखाओ कैसे वो घूम रहा है, कोई दिख रहा है ये देखो इन्हें, वो देखो वो देखो, हैं ऐसा क्यों है यहाँ पे? इस वाली उंगली से हाँ चार कोने बनाओ, ठीक है? हाँ बना दिए। इस वाली दो उंगलियों से हाँ बनाओ द्वार गेट, द्वार गेट। इस वाली उंगली से है, इस वाली उंगली से बनाओ झंडा, झंडा मंदिर का, ठीक है? है और एक हो गया, एक दो तीन।
तीन चार, चार स्तंभ, चार स्तंभ ठीक है। ये ऐसे करके कैसे? हाँ हाँ, राधे 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 ऐसे करके ऐसे ये बन गए पैर उनके। अच्छा, और इस वाली उंगली से एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ये बन गए उनके पैर। नाइस नाइस। हमेशा की तरह इनका दोबारा फोटो सेशन स्टार्ट हो चुका है। मेरी फोटो खींचियो, मेरी फोटो खींचियो भाई। अंदर की इतनी पॉजिटिव वाइब भाई, इतनी पॉजिटिव वाइब भाई, पॉजिटिव की पॉजिटिव वाइब की भी हद हो गई भाई। आज जब बंदे सारे रेती में खेल रहे थे और ऐसे नहीं लग रहे थे कोई ऐसी छोटी मोटी जगह से बंदे भाई, अच्छी अच्छी जगह से बंदे आ रहे थे, वो भी रेती वैसे नाच रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे भाई। देख के ना बहुत अच्छा लगा भाई साहब, क्लासी यार, क्लासी भाई। आज भी लोगों में वो है, विश्वास है, स्पिरिचुअलिटी भाई, मज़ा आ गया देख के। और भाई अच्छा लगा, आपने देखी ना वो क्लिप तो कमेंट कर दो। जय श्री कृष्ण। तो गाइज अब हम जा रहे हैं 84 खंबा, मतलब 84 खंबा मंदिर है एक, उधर जा रहे हैं और शायद पहुंच भी गए हैं क्योंकि भीड़ देखने लग गई। और वो आगे जो ऑटो चल रहा है उसमें साहिल वगैरह सारे बैठे हुए हैं, तो उनके पीछे चल रहे हैं क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता और मैप का भी थोड़ा दिक्कत है। सो शायद पहुंच ही गए हम, तो दबा के लगा देता हूँ गाड़ी और फिर चलते मंदिर अंदर। सो गाइस दिस इज 84 खंबा मंदिर। इसका सर, इसका नाम क्या है? वही है ना जो मैं बोल रहा हूँ? अच्छा, भाई अभी सीन कुछ ऐसा हुआ कि हम रास्ता भटक गए और भाई भटक के कुछ ऐसी जगह चले गए। हमने 10 किलोमीटर तक ऐसे रास्ते पे गाड़ी चलाई है भाई, जो जंगल ही जंगल था, रास्ता बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम तो गए। आज मुझे सीरियसली लगा था कि आज हम मरे, मगर भाई मैंने मम्मी को बोला प्रेयर वेयर करो भगवान से, कुछ गलती हुई तो माफ बाप करवाओ। और भाई हम सीरियसली, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा कि वो कैसा रास्ता था, मैं क्लिप डाल रहा हूँ देख लो। सीरियसली यार, अभी तो मेन रोड पे आ गए हैं जैसे तैसे करके, मगर सीरियसली भाई बहुत बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने एप्पल मैप पे लगा रखा था, आई मैप पे लोकेशन, और भाई बहुत ही गंदी लोकेशन बताई है उसने। मेरा नाम कुछ बोला भी नहीं जा रहा, बहुत गंदा लगा मुझे आज। चली ना तेरी, चली ना तेरी, चली ना, चली ना तेरी, मेहनत मैंने रुकने ना दी, चाहे किस्मत चली ना मेरी, अपनी खाली खाली।